हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज हम आ गए हैं बाहर अपने इस वेगा बोल्ट के मार्वल एडिशन को टेस्ट करने के लिए। एंड आपको बताते हैं, जब आप इसको पहनकर चलाते हो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसा फील आता है, क्या लुक आती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ चीज़ें तो मुझे इसको पहनते ही फील हो गई है, थोड़ा सा लगाते के साथ ही, उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? फ़िलहाल के लिए आप लुक देखो। तो भाई इसको कर दिया मैंने लॉक। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पर ना, इसके वाइज़र में एक लॉक है, यहाँ पर भी एक लॉक है, तो ये जब बंद कर लेता हूँ आप यहाँ पर लॉक हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम लुक की बात करें तो यार एक बार लुक देखो, तो कुछ ऐसा लुक आने वाला है इस साइड से। अगर इस साइड देखें तो कुछ ऐसा लुक आएगा, ठीक है यार। लुक बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा कि ये एक सस्ता सा हेलमेट है। मतलब सस्ता तो नहीं है ऑफकोर्स सी बात है, बट लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है देखने में। और मैं पर्सनली जब देखता हूँ ना तो बहुत मस्त लगता है। इस पर फिलहाल मैंने ब्लैक वाइज़र लगा रखा है। हेलमेट काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे फील हुई है, इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब लूज़ नहीं है। और जो पैडिंग भी है वो भी कंफर्टेबल है। मैं थोड़ी देर से चला रहा हूँ इसको पहनकर और मुझे कंफर्टेबल ही फील हो रहा है। सॉफ्ट है पैडिंग, बहुत इरिटेट नहीं कर रही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब बाइक को चलाते हैं, फिर मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आपको फ़ील होती है जब आप इस हेलमेट को पहन लेते हो, काफ़ी सिक्योर सा फील होता है, जैसे कि आपको महंगे हेलमेट्स में होता है। चाहे आप एग्जॉर ले लो, SMK ले लो, MT ले लो, LS2 वगैरह ले लो, तो जब आप उनको पहनते हो ना तो आपको एक सिक्योर सा फील होता है। आप लगते हो बिल्कुल ही बंद हो गए अच्छे से। तो वो चीज़ इस हेलमेट के साथ मुझे फ़ील हुई वेगा के। और ऑफकोर्स डाउट, और दोस्तों ऑफकोर्स नो डाउट, वेगा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी के हिसाब से ना काफ़ी सही रह जाता है। एंड एज यू नो दोस्तों, ये जो है ISI सर्टिफाइड है, प्लस DOT सर्टिफाइड है, तो इन चीज़ों में वेगा जो है मुझे काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है। एंड जब मैं इसको चला रहा हूँ दोस्तों, अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ हाई स्पीड पे थोड़ा सा, तो भाई ये विंड नॉइज़ अगर आप देख सकते हो 100 की स्पीड से ऐसा विंड नॉइज़ आता है इसके अंदर, राइट? तो ऐसा सा कुछ है, विंड आपको पता चल रही है। बट यस, सिक्योर बहुत फील हो रहा है मुझे। एक चीज़ मैं कहूँगा इसके साथ कि भाई सिक्योर फील हो रहा है हेलमेट में। और हेलमेट जो है ना काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगेन अगर मैं लुक दिखाऊँ तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हेलमेट है, छोटा सा। तो अगर आप एक स्किनी बंदे हो, ठीक है, आप थोड़े से लीन हो, तो आप इस हेलमेट को कंसिडर कर सकते हो। हेलमेट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी है, और नहीं है तो नहीं है, एक यार सनशेड, पता क्या होता है, ऑल द इसके आगे ब्लैक वाइज़र लगा हुआ है, बट क्या होता है दोस्तों, सूरज जब बहुत तेज़ होता है ना तो आप सनशेड भी नीचे कर लेते हो, ब्लैक वाइज़र भी, तो धूप से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ मैं अभी पहन के निकला, सामने डायरेक्ट धूप आ रही थी, मैंने इसको नीचे कर लिया, बट फिर भी मुझे यार धूप लग रही थी और वो इरीटेट कर रही थी। तो देयरफॉर मुझे लगता है कि भाई जो सनशेड है उसकी कमी कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ फील हुई, और यही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फीलिंग चलाने में बड़ी बढ़िया है, सिक्योर फील हो रहा है। हेलमेट ऐसे ऊपर नीचे हो नहीं रहा है हाई स्पीड वगैरह पे भी, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, हिल विल नहीं रहा है कुछ, ठीक है, तो काफ़ी सिक्योर फील हो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी इस हेलमेट की। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लग रही है फ़िलहाल वो है, ये है लाइट। तो मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ पहना है, बट पहना है, तो काफ़ी लाइट हेलमेट है फील हो रहा है ये। बाकी मैंने अनबॉक्सिंग तो करके दिखाई थी अपने चैनल पर, और ये जो है मैंने नई चीज़ शुरू करी है कि भाई चलाते चलाते आपको एक्सपीरियंस बताऊं। एंड उससे पता क्या होता है, देखो ऑन रोड जो फील होता है ना, ऑन द गो आपको शेयर कर देते हैं आपके साथ, तो हमें भी ऐसा लगता है, और ऑफकोर्स आपको भी जो है अच्छा लगता होगा, है ना। उसी के साथ साथ दोस्तों विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। जो ये एरिया है ये काफ़ी बड़ा है इस हेलमेट के साथ, तो विजिबिलिटी जो है आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और स्मोक वाइजर के साथ हल्की हल्की धूप में आपको विजन भी बहुत प्यारा दिखता है, साफ साफ सा, बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा है इस हेलमेट को। तो अगर आप लेना चाहते हो इस हेलमेट को, ले सकते हो, अच्छा फील हो रहा है भाई, ऑनेस्टली बताऊंगा काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल ले सकते हो, पहनकर चला सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा हेलमेट है। और हमने ऑफकोर्स जैसे कि आप जानते हो गिव अवे ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है इस हेलमेट का और स्टोर्ट्स के हेलमेट का, तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियोज़ देखिए जिसमें गिव अवे है, उसमें आप एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि आप भी ये हेलमेट जो है विन कर सकें। ओके दोस्तों, बाकी अगेन आप ज़रूर बताना कि ये लुक जो है कैसी लग रही है इस हेलमेट की, ये देखो और ये देखो, ठीक है। एंड
तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। देखो कमेंट में कोई पैसा नहीं लगता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। अगर आप एक छोटा सा हार्ट और एक थम्स अप भी छोड़ेंगे तो भी जो है उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और वो वीडियोस के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो YouTube को लगता है कि इसके ये वीडियो अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो फिर वो आगे पुश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बस वो एवरेज चला जाता है। तो आई होप ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।